नमस्कार दोस्तों हर्षि द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर एक रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू पता चला है कि जो है कि जो दे कैन स्मेल कैंसर इन यूरिन तो इधर दो डाउट्स आपको आ सकते हैं सबसे पहला डाउट एंट्स जो है चीटिया जो है वो स्मेल कर सकता है क्या दूसरा डाउट यूरिन में कैसे कैंसर को स्मेल कर सकता है वैसे देखा जाएगा तो चीटियों का कोई नाक नहीं होता बेसिकली नोस नहीं होता फिर वो स्मेल कैसे करते हैं देखिए उनका जो एंटीना है ना जो हर एक चीटी का ऊपर आपको देखने को मिलेगा दो सिंग जैसा एंटीना है ये एंटीना बेसिकली ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर जैसे काम करते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर मतलब क्या होता है जो स्मेल को सेंस करते हैं तो ये एंटीना की सहायता से चीटी जो है वो स्मेल कर सकते हैं दूसरा यूरिन में कैंसर को स्मेल कैसे करेंगे देखिए जो कैंसर अफेक्टेड है ना उनके शरीर के अंदर अलग अलग केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसे हम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कॉम्पोन्ड बोलते हैं ठीक है और ये जो हैं ये sweat के urine के के थ्रू थ्रू बाहर निकलते हैं। तो एक cancer -affected person का urine के अंदर ऑर्गेनिक मेटीरियल को या फिर cancerous materials को आइडेंटिफाई कर पाएगा चीटी तो इसके लिए रिसर्चर्स ने थ्री डजन सिल्की एंड यूज किया है जिसका साइंटिफिक नाम है फोर्मिका फुस्का तो ये वोलेटिल ऑर्गेनिक कॉम्पोन्ड जिसे बी भी कहते हैं ये कैंसर सेल्स का या फिर बॉडी का इम्यून सिस्टम का मेटाबॉलिज्म की वजह से प्रोड्यूस होता है और इसे एस नोवल कैंसर बायोमार्कर्स करके कंसिडर किया जाता है बेसिकली कैंसर को मार्क करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए इसे यूज करते हैं वैसे आपको पता होगा कैंसर एक ऐसा डिसीज है उसे जितना जल्दी आप डायग्नोस करोगे जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करोगे उतना एक पर्सन का सर्वाइवल रेट जो है बढ़ जाता है ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ यह सब क्या होता है देखिए सबसे पहले कासिनोमस ये कासिनोमा बिगिनस इन द स्किन और द टिश्यू दैट कवर्स द सर्फस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लान्स तो बेसिकली कासिनोमा स्किन में शुरू होता है दोस्तों या फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो गया ग्लान्स हो गया उसे जो टिश्यू कवर करते हैं ना उसमें शुरू होता है और कासिनोमस जो है यूजली सोलि टूमेस क्रिएट करते हैं देखिए नॉर्मली क्या होता है सेल्स जब ग्रो होता है ना वो एक ट्यूमर बन जाता है हर एक कैंसर में ट्यूमर नहीं बनता है पर ये जो कार्सिनोमास होता है जो बेसिकली स्किन या टिश्यू से शुरू होता है उसमें ट्यूमर्स बनता है ठीक है एंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है कार्सिनोमास कुछ एग्जाम्पल्स है प्रोस्टेट कैंसर ब्रेस्ट कैंसर लंग कैंसर कोलोरेक्टल कैंसर एक्सेट्रा अगला है सरकोमास सरकोमा बेसिकली ऐसे टिश्यू में शुरू होता है जो हमारे शरीर को सपोर्ट करते हैं और शरीर के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मजल्स से नर्व से टेंडन से जॉइंट से ब्लड वसल्स से लिम फेसल्स है काटलेज है बोन है यह सब शरीर के अलग अलग पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ना तो ऐसे टिश्यूज में जो कैंसर शुरू होते हैं उसे सरकोमा बोलते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल बोन कैंसर बोन कैंसर को ओस्टियोसरकोमा भी बोलते हैं आपने शायद सुना होगा अगला है लुकीमियास लुकीमिया बेसिकली ब्लड कैंसर होता है दोस्तों लुकीमिया तब शुरू होता है जब हमारे हेल्दी ब्लड सेल्स जो है वो जेनेटिकली चेंज होता है और अनकंट्रोलेबली ग्रो करते हैं अगला है लुकीमियास लुकीमिया बेसिकली ब्लड कैंसर है लुकीमिया तब शुरू होता है जब हमारे हेल्दी ब्लड सेल्स जो है वो जेनेटिकली चेंज होकर अनकंट्रोलेबली ग्रो होते हैं ठीक है थीके? वैसे लुकीमिया फोर मेन टाइप्स है वन इज़ लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया सेकंड इज क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया फिर एक्यूट माइलोड ल्यूकेमिया एंड क्रॉनिक माइलोड ल्यूकेमिया बस आप इतना ही समझ लीजिए दोस्तों ये जो ल्यूकेमिया है ये व्हाइट ब्लड सेल्स को अफेक्ट करते हैं अब वाइट ब्लड सेल्स का अलग अलग कैटेगरी से जैसे कि लिम्फोसाइट्स हो गया मोनोसाइट्स हो गया जो लिफोसाइट्स को अफेक्ट करते हैं ना उसे लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया बोलते हैं जो मोनोसाइट्स को अफेक्ट करते हैं उसे माइलोड ल्यूकेमिया बोलते हैं एंड द फोर्थ टाइप ऑफ कैंसर इज लिम्फोमस लिम्फोमा बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं क्या होता है लिम्फैटिक सिस्टम हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड वेसल्स है ग्लैंड है उसका एक नेटवर्क है ना उसे लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं तो जब ये लिम्फैटिक सिस्टम को कैंसर अफेक्ट करते हैं या फिर जब कैंसर लिम्फैटिक सिस्टम से शुरू होता है उसे लिम्फोमा कहते हैं नाउ कैंसर डेवलपमेंट प्रोसेस भी डिस्कस करते हैं ये देखिए एक नॉर्मल सेल है नॉर्मल सेल के अंदर जब कुछ जेनेटिक चेंजेस होता है उस वजह से ये डबल होने लगते हैं डबल से ट्रिपल हो जाएगा क्वारबल हो जाएगा बेसिकली सेल जो है अनकंट्रोलेबली ग्रो होने लगेगा और फाइनली ये बन जाएगा एक ट्यूमर अब आप देखिए आपको समझना है दोस्तों हर एक कैंसर में ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होता फॉर एग्जाम्पल ये जो लुकीमिया होता है ब्लड कैंसर उसमें ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं होता वैसे आजकल कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल है जैसे मैंने आपको पहले बताया कैंसर को जितना जल्दी आप डायग्नोस करोगे उतना सर्वाइवल चांस बढ़ जाएगा ठीक है आपने कीमोथेरापी के बारे में सुना होगा रेडिएशन थेरापी के बारे में सुना होगा क्या होता है कीमोथेरापी में कुछ पावरफुल ड्रग्स यूज़ करते हैं कैंसर सेल्स को मारने के लिए मेरा रेडिएशन थेरापी में रेडिएशन यूज़ करते हैं कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए और कुछ कैंसर्स में जो कैंसर अफेक्टेड एरिया है उसे कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में आपने सुना होगा पूरा जो ब्रेस्ट है उसे रिमूव करते हैं नहीं तो वो जो कैंसरस सेल्स है दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा रीजेंटली अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था रिगार्डिंग डेथ्स ड्यू टू कैंसर उनके हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1991 से अगर कंपेयर करोगे तो डेथ्स ड्यू टू कैंसर 33% परसेंट डिक्लेन हुआ है मतलब पहले से 3.8 मिलियन फ्यूअर डेथ रिपोर्ट होता है ये जो सक्सेस रेट है इसका मेन कारण यह है दोस्तों एक तो अर्ली डिटेक्शन होता है आजकल लोगों में स्मोकिंग हैबिट्स कम है और कैंसर ट्रीटमेंट में भी ज़रूर इम्प्रूमेंट हुआ है पर ये जो ट्रेंड है दोस्तों अभी तक इंडिया में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है वैसे देखा जाएगा तो इंडिया में भी अच्छे अच्छे कैंसर ट्रीटमेंट्स वगैरह अवेलेबल है लोग ज़्यादा समझदार है आजकल कैंसर्स के बारे में फिर भी इंडिया में जो डेथ्स ड्यू टू कैंसर रेट है ना ये उतना डिक्लेन नहीं हुआ है जैसे कि यूएसए जैसे स्टेट्स में हुआ है ये डाटा आप देखिए राइजिंग बर्डन ऑफ कैंसर इन इंडिया 2020 से लेके 2022 तक 2020 में 13.92 लाख केसेस रिपोर्ट हुए थे और मोटालिटी रेट देखिए मतलब कितना डेथ हुआ सेवन लाख सेवेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी टू में 14.26 लाख एंड सेवन लाख एटी फिर 2022 में 14.61 लाख एंड अगेन मोटालिटी रेट 8 लाख से ज़्यादा था तो बेसिकली देखिए 2020 से 2022 तक कैंसर इंसिडेंस जो है इंक्रीज हुआ है और ऐसा एक्सपेक्टेड है 2025 में 15.69 लाख केसेस रिपोर्ट होगा करके ठीक है मतलब हमारा जो इंसिडेंस है पर वन लाख पॉपुलेशन अगर आप देखोगे मेल्स में 94.1 है मतलब हर वन लाख पॉपुलेशन में 94.1 मेल्स में, में कैंसर डिटेक्ट होता है वेरास 103.6 फीमेल में कैंसर रिपोर्ट होता है और कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर कौन कौन सा है दोस्तों इंडिया में देखिए लंग कैंसर माउथ कैंसर प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट कैंसर मतलब क्या होता है देखिए मेल में एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जिसमें सेमेन या फिर सेमिनल फ्लूइड्स प्रोड्यूस होता है उधर जब कैंसर होता है ना उसे प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं फिर देखिए टंग कैंसर स्टोमक कैंसर एक्सेट्रा ये जो पांच टाइप ऑफ कैंसर है ना दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ ऑल कैंसर ठीक है फिर देखिए फीमेल्स में सॉरी ये जो पांच कैंसर मैंने आपको बोला ये सारे मेल्स में रिपोर्ट हुआ है वेराज फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर सर्विक्स कैंसर ओवरी कैंसर यूटरस कैंसर लंग कैंसर ठीक है एंड दे कॉन्स्टिट्यूट फिफ्टी थ्री परसेंटेज ऑफ ऑल कैंसर वैसे हमारे देश में मेजोरिटी ऑफ कैंसर्स का मेन रीजन टुबाको यूसेज है वैसे गवर्नमेंट की तरफ से टुबाको यूसेज को, को डिस्करेज करने के लिए काफी सारे इंटरवेंशन ऑलरेडी चल रहा है फिर भी देखा जाएगा तो इंडिया में टुबाको यूसेज जो है बहुत ज्यादा है जिस वजह से अलग अलग कैंसर्स होते हैं जैसे कि लंग कैंसर माउथ कैंसर टंग कैंसर है कि नहीं फिर रिजेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था उसमें से ये पता चला इंडिया में फीमेल को अफेक्ट करने वाला जो सर्विक्स कैंसर है सर्विक्स कैंसर मतलब फीमेल का जो सर्विक्स पार्ट है उधर अफेक्ट करने वाले कैंसर है उसका रेट कम हुआ है पहले से बहुत ज़्यादा कम हुआ है फिर भी ब्रेस्ट कैंसर का जो रेट है वो इंक्रीज हुआ है वैसे देखा जाएगा तो इंडिया में कैंसर ट्रीटमेंट्स के लिए जो फैसिलिटीज़ है वो काफी इंप्रूव हुआ है पहले से पर अभी भी काफी इनएडुकेटेड दोस्तों फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हर वन मिलियन पॉपुलेशन के लिए वन रेडियोथेरापी इक्विपमेंट होना जरूरी है इसके हिसाब से इंडिया में टोटल 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है ना तो 1400 थाउजेंड रेडियोथेरापी होना है पर इंडिया में अभी के हिसाब से केवल 700 है तो दोस्तों दैट्स इट वैसे इस पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी के बारे में बात करें तो इस तरह के जो इनोवेशन्स जब मेडिकल फील्ड में होता है वो काफ़ी इंस्पायरिंग है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कैंसर ट्रीटमेंट का वन ऑफ द मेन फैक्टर है एयर् डायग्नोसिस एर्ली डायग्नोसिस अगर आप करोगे तो एक पेशेंट का सर्वाइवल रेट भी बढ़ेगा वैसे चीटियों को यूज़ करके ये जो डायग्नोसिस मेथड है ये कब तक वाइड स्केल में इम्प्लीमेंट होगा इसके बारे में तो आइडिया नहीं है फिर भी इस फील्ड में अभी भी इस तरह के रिसर्च स्टडीज हो रहा है और नए नए चीज़ों को फाइंड आउट कर रहा है ये काफ़ी इंकरेजिंग है तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय हैव एन एस्टे।